हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। मैं हूँ चिरंजीत, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बर्मन टेक्निकल नॉन्ग वन। तो दोस्तों, मेरे पास आया है रॉयल एनफील्ड बुलेट, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। इसका जो सीट है ये क्लासिक मॉडल का सीट है, इसको हम सिंगल सीट करेंगे और थोड़ा डाउन करेंगे। इसका जो लुक है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये जो स्टिकर इसमें लगाया गया है और एनफील्ड क्लासिक का सीट यूज़ किया है, तो जो कि इसको देखने में बिल्कुल क्लासिक की तरह लगता है। तो इसको हम अभी मॉडिफाई करेंगे और इसका जो सीट है ये थोड़ा डाउन करें। कस्टमर की कहना है सीट को डाउन करना पड़ेगा, इसलिए हमने डाउन सीट लेकर आया है। तो इसके लिए हमने जो ये सीट मंगवाया है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ इसमें कितना खर्चा आएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रॉयल एनफील्ड बुलेट था, इसको क्लासिक का सीट यूज करने के लिए ये जो पट्टे इसको हमने एडिंग करके लगाया। तो ये वाला जो सीट है इसको यूज करने के लिए ये जो पट्टे है इसको हटा लेना पड़ेगा, हटा लेने के बाद तब लगेगा। दोस्तों, मेरा गैरेज पे हर कंपनी का बाइक को मॉडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए एक बाइक मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये हैली डेविडसन बनेगा। अगर आप लोगों को किसी भी बाइक को मॉडिफाई करवाना है तो मेरा गैरेज पाइए, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा, लोकेशन भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गैरेज का फोटो, आप देख लीजिए बाबा लोकनाथ गैरेज। तो आप आ जाइए, किसी भी बाइक मॉडिफाई हो जाएगा, सर्विसिंग भी हो जाएगा। और साथ ये बात, जो क्लब मैंने पहले होल्डिंग किया है इसको मैंने खोल नहीं पाया, तो इसके लिए दोनों साइड काट कर दिया। और यह भी जो होल देख रहे हैं इसमें एक पत्ती लगाई हुई है, इस पत्ती को काट कर देना है, क्योंकि ये जो सीट का जो ये वाला जो क्लब है ये उस होल में जाएगा। तो चलिए ये जो क्लब है इसको काट कर लेते हैं। इसको मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो होल है ये बड़ा हो गया है, तो चलिए एक बार सीट को इसमें फिटिंग करके देखते हैं ये फिटिंग होता है या नहीं। ये फिटिंग तो हो गया, तो इसका जो नीचे का क्लाम है इसको थोड़ा सा बैंड कर लेना होगा। तो ये जो सीट है ये परफेक्टली बैठ गया, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। ये देखिए काफ़ी डाउन हो चुका है, तो चलिए एक बार इसको बैठ के देखते हैं। तो इसमें बैठने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, बाइक को चलाने में मज़ा आएगा। कस्टमर की कहना है कि ये बैक सीट भी पीछे लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सीट कुछ इस तरह से पीछे लगेगा, और देखिए बाइक का जो लुक है ये काफ़ी लुक ही इसका चेंज हो गया है। दोस्तों, इसका बैक सीट को लगाने के लिए इसमें हमको ऑयलिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं बैटरी का जो दोनों वायर इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने बैटरी का दोनों वायर को खोल लिया, तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऑयलिंग करके लगाएंगे। Check when you chase them. They always check when you.
तो ये सीट को परफेक्टली फिटिंग करने के लिए ये क्लैंप हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मैंने दोनों लाइट को टाइट कर दिया। तो चलिए अभी बाइक में फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो सीट है ये फिटिंग हो गया, अब इसका बैक सीट को फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये जो रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक है इसका दोनों सीट परफेक्टली फिटिंग हो गया। तो देखिए दोनों सीट को लगाने के बाद बाइक को कितना अच्छा लुक देता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे टेक्निकल एंड मॉडिफिकेशन वीडियो पाने के लिए।